की शाम में लगा हुआ है उसके अंदर, वो तो थोड़ा एनालॉग है ना, एनालॉग बेसिस पे लगा हुआ है, ये डिजिटल बेसिस पे। वो जो इंजन है ना वो 20 साल पुराना है। अच्छा पुराना है। और उसका जो भी सेटअप है वो उस हिसाब से डिजाइन किया हमने। अब जो है HMI है, इसके HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ठीक है ना। अब इस तरीके की सिस्टम था उसको आपने देखा होगा, सिंक्रोनाइजिंग के लिए भी जो है वाला मेथड है। इसको अगर हम सिंक्रोनाइज करेंगे तो एक मॉडल यूज करेंगे, वो खुद ही उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, वोल्टेज जैसे उम्मीद हो जाएंगे। लेकिन मैंने वहाँ पर भी HMI देखी थी, उसके अंदर 250 GL प्लस का वो वॉकीशा 250 GL प्लस है ना, उसके अंदर नीचे HMI उसकी भी थी, HMI थी, लेकिन उसका प्रेशर और टेम्परेचर बेसिस के लिए उन्होंने एनालॉग सिस्टम ही थे उसके लगे हुए, वो जो गोल गोल थे एनालॉग निडल सिस्टम भेज दिया।